हाय गाइस, मैं राहुल राजकोली। आज मैं आपको मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी की सैर कराता हूँ और मैं आपको आज वहाँ लेके चलता हूँ। बहुत टाइम से मेरी ख्वाहिश रही थी, बहुत टाइम से मैं सोच रखा था और मैं हर रोज़ यही सोचता था कि कब वो मुंबई पहुँचूँ और जो है उड़ान सीरियल के सेट पर पहुंचे। उनकी जो शूटिंग होती है, शूटिंग और उनके जो एक्शन सीन, बाकी डायलॉग्स, एक्टर्स एक्टर्स एक्ट्रेस सभी लोगों के जो सीन शूट करके लेके आऊँ। ज़्यादातर चकोर, मतलब चकोर मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब मतलब रही हैं और मैं मानता हूँ मुझे अच्छा भी लगता है। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं जो है आऊँगा सेट पर और आके मिलूँगा, बातचीत करूँगा। बहुत टाइम से मेरा सपना रहा है, तो मैं आज आपको उड़ान सेट की उड़ान सीरियल के सेट पर लेके चलता हूँ। ये एक्शन के साथ ही शूटिंग शुरू हो गई है उड़ान की, जहाँ पर चकोर भाग रही हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं। आप देखिए, उबड़ खाबड़ रास्ता है तो उनको मैनेज भी करना है, जो उनको वे बताया गया है ताकि लुक मेंटेन रहे। ओहो, यहाँ पर जो हिरन मीर, उनका घाघरा नीचे से फट गया झाड़ी में लच के, लेकिन फिर अब मैनेज किया। और ये दूसरा शॉट है, तो देखिए एक्टर को ना पूरा का पूरा जिस तरह से सीन कोरियोग्राफ किया गया है उसको फॉलो करना होता है। अब यहीं से दूसरी जगह दिखाई गई है, तो कई बार मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ी चीटिंग की जाती है कि बस कैमरा दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, लेकिन उसके आसपास ही वो दूसरा सीन क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो बाद में सीन डेवलप होके जब वो दिखे तो बड़ा दिखे देर तक। अब ये दूसरी जगह कैमरा शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर भी चकोर दौड़ती जा रही। यहाँ पर बस एक बात देखिएगा, अभी उन्होंने पैरों में चप्पल पहनी हुई है क्योंकि उनको भागना है पथरीले रास्तों पर। अब और ड्रामा बिल्डअप करने के लिए उनको कीचड़ भरे रास्ते से आना है। यहाँ पर देखिए, डायरेक्टर ने उनको बोला कि चप्पल पहन लीजिए, लेकिन एज एन एक्टर उनको लगा कि नहीं, मुझे चप्पल उतारनी चाहिए बिकॉज कीचड़ में स्लिप ही रहता है। अभी वो दौड़ते आई, पूरे रूल पूरे की पूरे वो इंस्ट्रक्शन वहाँ से फॉलो कर रही हैं। होल्ड करने को बोला डायरेक्टर ने, होल्ड, नीचे देखा, ओके। यहाँ पर मीरा ने खुद कहा कि यहाँ पर पत्थर है, उसके ऊपर से कूदूंगी तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा, ड्रामा बिल्डअप होगा। अब ये गिरी, गिरने का शॉट था, वहाँ पे वो गिरी जैसे उनको बोला गया, पीछे से इंस्ट्रक्शन मिला। अब देखिए, ये रियल कीचड़, एक आर्टिस्ट को ना बहुत ही डेडिकेटली काम करना पड़ता है। दोबारा कूदी आ रही हैं, एक सीन को दोबारा दोबारा लिया जा रहा है, दोबारा दोबारा लिया जा रहा है। इस वजह से लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि कौन सा सीन परफेक्ट बैठता है, कौन सा सीन परफेक्ट नहीं बैठता है। मीरा यानी चकोर जो है बार बार सीन दे रही हैं, बार बार दौड़ लगा रही हैं, कभी नंगे पैर और कभी चप्पल पैर के। मतलब उनको पता है, एक एक्टर को पता होता है कि कहाँ किस जगह सीन सही शूट हो सकता है, किस जगह सीन शूट नहीं हो सकता, तो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। और मैं लगातार जो है उनके सीन को फॉलो कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो देखिए आगे क्या होता है। अभी तो देखिए सीन चल रहे हैं, आइए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि उड़ान सीरियल के चकोर यानी मीरा जी के सेट पर पहुंच गया और वहां जाके वीडियो शूट कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार इनके सीन देखकर और इनकी वीडियो शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ये देखिए दोबारा, पूरी तरह से डेडिकेशन चाहिए एक एक्टर को। अब ये रियल कीचड़ है, उसमें वो बार बार गिर रही है, कितनी बार शॉट देनी है सिर्फ इसलिए कि एक सीन अच्छा सा शूट हो जाए। होल्ड करने को बोला डायरेक्टर ने, ये दोबारा भाग के सीन से आउट हो गए, फ्रेम आउट। ये दोबारा क्लोज शॉट, होल्ड करने को बोला डायरेक्टर ने, एक्सप्रेशन ऑन रख के ऊपर उठे, ओके, दोबारा फ्रेम आउट। ये दूसरे एंगल से है, कितनी बार मीरा को बार 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 वही शॉट देना पड़ रहा है, लेकिन वही इमोशन मेंटेन करना पड़ रहा है। राहुल राज कोहली मीरा जी के सेट तक पहुंच गया, मस्ती के मैं मीरा जी के सेट तक पहुंचूं, मीरा जी के वीडियो शूट करके लेके आऊं, और आज मैं मीरा जी के सेट तक पहुंच गया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनकी शूटिंग देखते हुए और इनका शूट चलते हुए, और मैं बहुत प्राउड कर रहा हूं अपने आप पर। और अच्छा लग रहा है मुझे,
कि मैं उनके सेट तक पहुंचा और अपनी ख्वाहिश को पूरी की, और अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ और इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, और उससे बातचीत करने की मेरी ख्वाहिश थी वो भी पूरी होने जा रही है। तो चकोर से यानी मीरा जी से आज मैं बात करूँगा, वार्तालाप करूँगा। आइए चलते हैं, लेके चलते हैं मीरा जी के पास। वह क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि सभी अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को बताऊं और दिखाऊं, इसीलिए मैं आज यहाँ आके उनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ और सीन शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को दिखा सकूं। और आइए मैं बात करता हूँ उनसे कि उन्हें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे ये शूट सीन शूट हुआ है, और क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या कैसे उनका मतलब अनुभव क्या रहा है। आइए लेके चलता हूँ। आज इस घूमघट में कौन है पता भी तो चले, हमें भी पता चले कौन है। मैं हूँ घूंघट के ऐड में चकोर का चेहरा, और आज मैंने फिर से अपना भेष बदला है क्योंकि मुझे सिचुएशन संभालनी है। कर्नल साहब आज़ादगंज पहुँच गए सूरज का घर ढूंढते हुए। अच्छा जी, तो आज आपने कीचड़ में लैंडिंग की है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हो आप? आज मैं कीचड़ में मैंने लैंडिंग की है क्योंकि मैं बहुत लाइफ की स्ट्रगल कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगा मीरा जी आपसे सुनकर ये कि आपने कीचड़ में लैंडिंग की है और कीचड़ में सारे शॉट दिए हैं, सीन दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे के लिए बताइए क्या प्लानिंग है। जो हमने किया वो रियल था, वो कीचड़ रियल था और मैंने असली कीचड़ में मुंह डाला है जो बहुत गंदा था। बट ठीक है, फील अच्छा आ रहा था सीन का, तो मतलब सीन अच्छा दिखेगा तो फिर ये करेंगे। आज आपका सीन अच्छा है, अच्छा है, लेकिन आप लहंगा चुन्नी में आपको थोड़ा डिफिकल्ट नहीं दिखता? लहंगा चोली पहनना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को वैसे ही बहुत मज़ा आता है जब मैं लहंगा चोली बन के घूम रही होती हूँ, तो मैं बहुत मस्ती। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस ड्रेस, वेरी नाइस लहंगा चुन्नी, आज आप बहुत अच्छी लग रही है लहंगा चुन्नी में। राहुल राज कोहली को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।